हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन एजेंट्स यानी कि सामाजिकरण के प्रदर्शक और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। नाउ लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स। द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दैट पोजेसेस पावर टू सोशलाइज अ चाइल्ड आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक बार इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। जिन व्यक्तियों या संस्थानों में बच्चे को सामाजिक बनाने की शक्ति होती है उन्हें सामाजिकरण के प्रदर्शक कहा जाता है। यानी ये वो लोग होते हैं, ये वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बच्चे को समाज की रीति रिवाज, नियम, मानक, मूल्य, विश्वास इत्यादि से परिपूर्ण करके एक सामाजिक व्यक्ति या सामाजिक प्राणी बनाते हैं। This means these are the individuals who infuse a child with social norms, etiquettes, beliefs, values, etc. And consequently, a child becomes a social being. So this is the definition. यानी एक बार हम हिंदी में पढ़ लेते हैं परिभाषा। जिन व्यक्तियों या संस्थानों में बच्चे को सामाजिक बनाने की शक्ति होती है उन्हें सामाजिकरण के प्रदर्शक कहा जाता है। अब आप आगे देखेंगे ये कौन कौन से होते हैं और इन्हें क्या क्या कहा जाता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जिनको हम कहते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं पेरेंट्स, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, मीडिया, कम्युनिटी, कास्ट एंड क्लास। यानी कि माता पिता, परिवार, दोस्तों का एक समूह, आपका विद्यालय, मीडिया, समुदाय, कम्युनिटी, आपकी जाति और सोशल इकोनॉमिक क्लास जिसे हम कहते हैं या वर्ग जिसे हम कह सकते हैं। तो आप जब इस वीडियो को देखें, जब इस टॉपिक को पढ़ें तो आगे देखिए छोटा सा एक बेबी है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसको नज़र में आप ज़रूर रखें। आप इसको देख सकते हैं, इसके हाव भाव देखिए। ये बहुत छोटा सा बच्चा है और किस प्रकार एक बड़े की नकल करके ये चल रहा है। हाथ पूरी तरह से पीछे बांधे हुए है और पूरा कॉन्फिडेंस के चेहरे झलक रहा है और पूर्ण रूप से ये अपने कपड़ों को भी किस तरह से साथ लेके, मतलब इनमें कोई किसी प्रकार की सिलवट नहीं है, कोई गंदे नहीं है। आप इसके कदम देख सकते हैं, बड़ों की तरह इसके कदम में थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है, यानी बड़े कदम रख रहा है ये। और आप इसकी नज़र को देख सकते हैं, पूर्ण रूप से इसने आने वाले आगे जो स्थिति है उस पर नज़र गाड़ी हुई है। इसके हाथ आप देख सकते हैं। दिस मीन्स यू जस्ट इमेजिन दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड इज़ फॉलोइंग हिज फादर। चूँकि इसमें फादर की जो फोटो हमने हटा दी है, बट आप देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या नतीजा है इसका, ये क्यों ऐसे चल रहा है। एक बच्चे को ऐसे नहीं चलना चाहिए लेकिन ये ऐसे चल रहा है, क्यों? ही इज बीइंग सोशलाइज्ड, वो उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया चालू है। इनमें पेरेंट्स भी आते हैं, फैमिली भी आती है, पीयर ग्रुप भी आता है, स्कूल भी आता है। तो आप इस बेबी को बार बार इस पिक्चर को आप मन में बैठा लें और नव इस पर ध्यान दें कि कैसे ये एजेंट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, किस प्रकार ये सारे के सारे प्रदर्शक इस बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये बच्चा एक द्योतक है समाज के उन बच्चों का जो सामाजिकरण, जिनका सामाजिकरण होता है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेरेंट्स से। नाउ लेट अस सी कि पेरेंट्स हैव अ डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स सोशल डेवलपमेंट। पेरेंट्स यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू सोशलाइज देयर चाइल्ड सच एज रिवार्ड, पनिशमेंट एट्सेट्रा। विद रिवॉर्ड दे इंकरेज एंड विद पनिशमेंट दे डिस्करेज सर्टेन बिहेवियर्स। दे प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। यहाँ पर दे का मतलब है पेरेंट्स। पेरेंटिंग स्टाइल एंड लिविंग कंडीशंस ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन। बहुत ही आसान सा करके इसको मैंने लिखा है कि कुछ रिवार्ड्स, विद हेल्प ऑफ सम रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट ऑल्सो सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। Now the parenting style, parents can be authoritative, parents can be permissive, parents can be normal. So this is the parenting style. This also influences the socialization of the child and the living conditions can be your geographical conditions, your climatic conditions and your socio-economic conditions. I am talking about these conditions. These conditions significantly affect the socialization of child. Now let us go and read this पॉइंट्स इन हिंदी। इसको हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। माता पिता का बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। माता पिता अपने बच्चे को सामाजिक बनाने के लिए इनाम,
दंड इत्यादि जैसे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। इनाम से वे कुछ व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि दंड से वह कुछ व्यवहारों को हतोत्साहित करते हैं। माता पिता बच्चे के लिए सीखने के अवसर और चुनौतियां उपलब्ध करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि जाओ बच्चा, बेटे आप ये काम करो, बेटी आप ये काम करो, ऐसी स्थिति होती है, लर्निंग कंडीशंस होती हैं, चैलेंजेज वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि बच्चा एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक बने। परवरिश शैली जैसे मैंने आपसे बात की और रहने की स्थितियाँ भी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फैमिली। इसको मैंने अलग अलग करके रखा है, पेरेंट्स को और फैमिली को मैंने अलग अलग किया हुआ है, क्योंकि फैमिली का मतलब यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स के साथ साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी जुड़े होते हैं, और पेरेंट्स का मतलब केवल माँ बाप, क्योंकि चूंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, बट यहाँ पर फैमिली का मतलब है जहाँ पर आपके दादा दादी, चाचा ताऊ और भी आपके साथ रह रहे हैं, उसको हम परिवार मानते हैं। नाउ लेट्स गो ऑफ द फैमिली। फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन। पेरेंट्स पहले टीचर्स हैं, पहले गुरु होते हैं, लेकिन फैमिली इज द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। द चाइल्ड लर्न्स वैल्यूज, यहाँ पर मूल्य सीखता है, बिलीव्स एंड सोशल नॉर्म्स फ्रॉम फैमिली। समाज के कौन कौन से मानक हैं, किस तरह से व्यवहार करना है, क्या क्या मूल्य हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा परिवार से सीखता है। द प्रोक्सिमिटी टू द ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। यानी दादा दादी के नज़दीक रहने से, दादा दादी के साथ रहने से भी बहुत सारे ऐसे अवसर हमें मिलते हैं, यानी कि बच्चे को मिलते हैं, जिससे बच्चा सोशलाइज होता है। फैमिली टीचेज स्टाइल, फैमिली टीचेज रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। यानी कि स्टाइल, यानी कि रहने का स्टाइल, और दूसरे अलग अलग, अगर लोग किसी का व्यू पॉइंट आपके व्यू पॉइंट से अलग है तो उसको हमें सम्मान करना है, उसका हमें रिस्पेक्ट देना है, उसे उसको हमें डिफर कर सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पर साधारण सी बात कहें तो फैमिली आपको मतभेद रखना सिखाती है, मन भेद नहीं। यही बात इसमें कह रहे हैं कि फैमिली टीचेज रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। लिविंग स्टाइल, ये रहने का जो तरीका है वो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फैमिली, किस तरह फैमिली रह रही है, उसका रहने का क्या तरीका है, क्या क्या उसकी कल्चरल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ऑफ फैमिली। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली सोशलाइज ए चाइल्ड इन अडॉप्टिंग दीज प्रैक्टिस, उन प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने में बच्चा चेतन रूप से अवचेतन रूप से उनको तैयार रहता है, बच्चा उनको अडॉप्ट करता रहता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा इसको देख रहा है कॉन्शियसली इसको हम समझा रहे हैं बच्चा उसी को अडॉप्ट करेगा, नहीं, अनकॉन्शियसली भी बच्चा लर्न करता है फैमिली से। नाउ लेट अस गो फॉर हिंदी। परिवार, परिवार पहला सामाजिक संस्थान है जो सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा परिवार से मूल्य, विश्वास और सामाजिक मानदंड सीखता है। बच्चे की दादा दादी से निकटता सामाजिकरण के अवसर प्रदान करती है। परिवार बच्चे को विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए सम्मान करना सिखाता है। परिवार की जीवन शैली सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाओं को जानबूझकर या अनजाने में अपनाकर बच्चा एक जिम्मेदार सामाजिक प्राणी बनता है। यहाँ पर जानबूझ का मतलब है कॉन्शियसली, अनजाने मतलब अनकॉन्शियसली। नाउ द नेक्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट इज पीए ग्रुप। यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में पीजी एड्रेस करेंगे। पीजी यानी कि पीयर ग्रुप इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सोशल नेटवर्क बियॉन्ड होम वेयर कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट मेकिंग सोशलाइजेशन स्मूथ। आई एम कैन टेल यू दैट इन पीयर ग्रुप द कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स इज डायरेक्ट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता है और बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, और जिसके माध्यम से सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। इसमें देखते हैं, आप पीयर ग्रुप की बात करते हैं, पीयर ग्रुप में फ्रेंडशिप इज द सेंट्रल बॉन्ड ऑफ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप के अंदर एक मैत्री है, एक दोस्ती होती है, एक दोस्ताना जो संबंध होते हैं वो उन सभी दोस्त व्यक्तियों को बांधे रखता है, जिसमें सेंट्रल बॉन्ड। नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप प्रोवाइड्स नंबर ऑफ सिचुएशंस वेयर चाइल्ड होन्स हर होरिस क्वालिटीज। बहुत सारी चैलेंजेस और सिचुएशंस आर प्रोवाइडेड बाय द पीयर ग्रुप। नाउ द चाइल्ड लर्न्स फॉलोइंग क्वालिटीज, कुछ ऐसे गुण होते हैं, ऐसे कुछ विश्वसनीय गुण होते हैं, गुणवत्ता जो कि बच्चा पीयर ग्रुप में सीखता है, सच एज शेयरिंग, ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रोल एक्सेप्टेंस, फुलफिलमेंट,
new information and communication techniques. These are the qualities a child learns from PG, yani ki peer group. The next is development of self-identity is facilitated by peer group. Yeah, these are very, very important aspect. The self-identity concept has been a vast impact on a child's behavior. And that identity is fully facilitated by the peer group. This means peer group plays a very, very important role in development of self-identity. And self-identity creates a sense of self-acceptance in an individual. So it is a very, very important, this means peer group is a very important socialization agent. एक बार निम्न देख लेते हैं, साथियों का समूह घर से परे सोशल नेटवर्क के विस्तार का एक प्रकटीकरण होता है, जो सीधा संचार सामाजिकरण को आसान बना देता है। दोस्ती साथियों के समूह का मुख्य बंधन होता है, बॉन्ड होता है। साथियों का समूह बच्चे को वो परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है जहां बच्चा अपने गुणों को निखार सकता है। बच्चे साथियों को समूह से साझाकरण सीखना, एक दूसरे चीजों को साझाकरण सीखना, विश्वास, आपसी समझ, भूमिका, स्वीकृति, संतुष्टि, नई जानकारी और संचार तकनीकों जैसे गुणों को सीखता है। बच्चे की स्वयं की पहचान का विकास साथियों के समूह द्वारा आसान बना दिया जाता है। द नेक्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट इज स्कूल। स्कूल इज अ फॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट वेयर चिल्ड्रन स्पेंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर वेकिंग टाइम फॉर मोर देन 12 ईयर्स। दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव टाइम ऑफ लाइफ। स्कूल वो एक एजेंट है जहां पर जीवन जागते हुए समय का 50% से भी ज्यादा समय बच्चे विद्यालय में गुजारते हैं, और वो भी 12 साल तक, जो कि दुनिया बच्चों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव समय होता है। इसमें बच्चे का सब कुछ तो निर्माण होता है। यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। स्कूल इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन वेयर चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद टीचर्स एंड पीयर्स। चिल्ड्रन लर्न्स कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल स्किल्स, बिहेवियर स्किल्स, सोशल नॉर्म्स। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब यहाँ पर लिखना, पढ़ना, याद करना, दूसरों के साथ शेयर करना, ध्यान लगाना, ये सारे के सारे कॉग्निटिव स्किल्स में आते हैं, जिसमें जो कि बच्चा स्कूल में सीखता है। नेक्स्ट इज दे लर्न पॉजिटिव क्वालिटी सच एज सेल्फ इनिशिएटिव, अपने आप से कोई काम करना, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, क्रिएटिविटी, ऑल दिस पॉजिटिव क्वालिटीज आर लर्न बाय द चाइल्ड इन स्कूल। यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन एंड चिल्ड्रन यूजेज दिस क्वालिटी इन द डोमेन्स ऑफ लाइफ। दुनिया अपने दुनिया में जो बाहर निकलते हैं जीवन में, जब दूसरे उसके जो फील्ड होते हैं, दूसरे डोमेन होते हैं, बच्चे इन क्वालिटीज का उसमें पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट इज चाइल्ड लर्न्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना भी, पैरों पर खड़े होकर सीखना भी बच्चा विद्यालय में या स्कूल में ही सीखता है। एक बार इन्हें देख लेते हैं, ये समाजीकरण का औपचारिक प्रदर्शक है जहां बच्चे 12 वर्षों तक या उससे भी अधिक तक अपने जागने के समय का लगभग 50% समय स्कूल में बिताते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है ये। स्कूल एक संगठित संस्थान है जहां बच्चे शिक्षकों और साथियों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श करते हैं। बच्चे संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, व्यवहार कौशल, सामाजिक मानदंड आदि सीखते हैं। वे आत्म पहल, आत्म नियंत्रण, जिम्मेदारी और रचनात्मकता जैसे सकारात्मक गुण भी विद्यालय में ही सीखते हैं। बच्चे इन गुणों का उपयोग अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी करते हैं, और स्कूल बच्चे को आत्मनिर्भर बनने में एक महत्वपूर्ण मदद करता है। नेक्स्ट इज द मीडिया। इन करेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट्स मीडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट्स। देखिए, इसमें मीडिया दो प्रकार का है, प्रिंट मीडिया, बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, जिसमें कुछ छपता है, फिजिकली इसको आप टच कर सकते हो, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म्स, इंटरनेट, टेलीविजन एटसेट्रा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रेंड्स, जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो मुख्य रूप से मीडिया से दे लर्न फैशन एंड वायलेंस। ये दो चीज होती हैं जो कि रिसर्च बताती है कि जो एडोलेसेंट्स हैं, किशोर हैं, दे लर्न फ्रॉम मीडिया। सो मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन एज ए चाइल्ड। मीडिया हैज पेनिट्रेटेड ईच होम, हर घर में पहुंच चुका है, ईच इंडिविजुअल, हर व्यक्ति में पहुंच चुका है, एंड मोर इंपोर्टेंटली
हर मस्तिष्क में मीडिया हैज पेनिट्रेटेड एंटर्ड फुली नाउडेज द नेक्स्ट इज द रोल मॉडल फॉर एडोलसेंस कम फ्रॉम मीडिया पर्टिकुलरली मूवीज. जैसा मैंने बताया पहले रोल मॉडल हमारे परिवार में हुआ करते थे, हमारे गांव में, हमारे शहर में रोल मॉडल हुआ करते थे. नाउ ऑल रोल मॉडल्स हैज शिफ्टेड टू बॉम्बे. बॉलीवुड मूवीज से हमारे रोल मॉडल्स आते हैं. नाउ सी द सिचुएशन. द नेक्स्ट इज टीवी एंड इंटरनेट यूसेज हैव ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन सोशलाइजिंग यंगर जनरेशन. नाउ एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं किस प्रकार मीडिया हमारे सोशलाइजेशन में मदद करता है. वर्तमान तकनीकी वातावरण में मीडिया एक महत्वपूर्ण सामाजिकरण प्रदर्शक बन गया है. प्रिंट मीडिया में पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आते हैं, फिल्में आती हैं, इंटरनेट, टेलीविजन इत्यादि. और मैंने जैसे बताया किशोरावस्था को लुभाने वाली जो मीडिया की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो फैशन और हिंसा है. मीडिया ने प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति और यहाँ तक प्रत्येक मस्तिष्क में भी प्रवेश कर लिया है. आजकल ज़्यादातर किशोरों के लिए जो रोल मॉडल हैं मीडिया से ही आते हैं और वो भी बॉलीवुड फिल्मों से आते हैं. और इसका मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ. टीवी और इंटरनेट का उपयोग युवा पीढ़ी के सामाजिकरण पर जबरदस्त असर डालता है. द नेक्स्ट इज कम्युनिटी. चाइल्ड इज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट. बच्चा जहाँ जन्म लेता है वो उसी कम्युनिटी का एक सदस्य निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से बना होता है. दिस ग्रुप यानी जो कम्युनिटी है, दिस ग्रुप इन्फ्लुएंसेज द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड. कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी दैट इन्फ्लुएंसेज सोशलाइजेशन आर कल्चरल हेरिटेज, कम्युनिटी नॉर्म्स, बिहेवियर पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी, स्किल्स एंड क्राफ्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द पार्ट ऑफ मेंबर. जो बच्चा जिस कम्युनिटी का हिस्सा है उस कम्युनिटी के क्या क्या स्किल्स और क्राफ्ट्स हैं वो भी सोशलाइजेशन में उसकी मदद करते हैं. ट्रेडिशनल रोल्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ड्रेसिंग पैटर्न्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजिंग ए चाइल्ड. एक बार हिंदी में देख लेते हैं. समुदाय, बच्चे जन्म से किसी न किसी समुदाय का सदस्य बन जाते हैं, होते हैं. यह समुदाय एक समूह होता है जो बच्चे के सामाजिक विकास को सार्थक रूप से प्रभावित करता है. समुदाय के कुछ घटक जो सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं आप देख सकते हैं. सांस्कृतिक विरासत, हमें क्या मिला है संस्कृति में, सामाजिक मानदंड, व्यवहार का उनका तरीका, पैटर्न, कौशल और शिल्प, क्या क्या हम हाथ से काम करते हैं, क्या क्या हमारे कौशल हैं, पारंपरिक भूमिकाएं, सामाजिक संस्थान और ड्रेसिंग पैटर्न. द नेक्स्ट इज कास्ट एंड क्लास. कास्ट एंड क्लास आर द मेजर सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड. और भारत के संदर्भ में इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कास्ट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजिंग. द चाइल्ड लर्न्स द कास्ट एंड क्लास स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न्स. व्हाट आर द कास्ट एंड क्लास पीपल बिहेव, द चाइल्ड लर्न्स दैट पैटर्न्स एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन. ट्रेडिशंस, व्हाट आर द ट्रेडिशंस ऑफ पर्टिकुलर कास्ट एंड व्हाट आर द कस्टम्स, ऑल दीज अ चाइल्ड लर्न्स एंड दीज ऑल्सो सोशलाइजेशन. शी और ही हैज टू प्ले सर्टन रोल्स बाय वर्च्यू ऑफ बींग बोर्न इन टू पर्टिकुलर कास्ट और क्लास. द कास्ट रोल्स द चाइल्ड हैज टू प्ले. चाइल्ड लर्न्स दैट कास्ट कैनॉट बी चेंज्ड व्हाइल क्लास कैन बी चेंज्ड बाय हार्ड वर्क. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट डियर फ्रेंड्स. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इफ अ चाइल्ड इज बोर्न इन पर्टिकुलर कास्ट द चाइल्ड कम टू नो एट सर्टन स्टेज दैट द कास्ट कैनॉट बी चेंज. ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही कलंक है भारतीय समाज पर जाति प्रथा. दीज आइडियाज मोल्ड द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड. ये जो उसके मन में आइडिया जाते हैं कि कास्ट नहीं बदल सकते लेकिन क्लास बदली जा सकती है, ये व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला देता है. एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स. जाति और वर्ग. जाति और वर्ग एक बच्चे के सामाजिकरण का प्रमुख स्रोत होते हैं भारतीय संदर्भ में, विशेष रूप से जाति. बच्चा जाति और वर्ग विशिष्ट व्यवहार पैटर्न, परंपराओं और रीति रिवाजों को सीखता है. किसी विशेष जाति या वर्ग में पैदा होने के कारण वह उस जाति या वर्ग विशिष्ट भूमिकाओं को निभाता है. निभाना उसको सीखना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी बन जाती है. और यह भी एक फोर्स्ड सोशलाइजेशन होता है जो कि हम जाति के माध्यम से सीखते हैं. ये विचार बच्चे के व्यवहार को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कौन से विचार? मैंने पहले बताया ये वो विचार कि जाति नहीं बदली जा सकती, क्लास वर्ग बदला जा सकता है. डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो. किस व्हाट आर द सोशलाइजिंग एजेंट्स और क्या क्या उनका रोल है. स्कूल,
कम्युनिटी, पेरेंट्स, फैमिली, इस प्रकार से ये सारे हमारे सोशलाइजेशन एजेंट थे। आप उस बच्चे की पिक्चर को ध्यान में रखो, कैसे वो बेबी हाथ पीछे करके चल रहा है और पूर्ण रूप से उसको इन एजेंट्स ने कैसे सोशलाइज किया है। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। आपको कोई डाउट, कोई शंका और कोई सवाल तो यू कैन काइंडली ईमेल टू मी verma.sujit@yahoo.com। थैंक यू। प्रेजेंटेशन ट्यूब। जय हिंद।